अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हज़रात को बताने वाला हूँ सात ऐसी चीज़ें जिनसे गरीबी आती है। जी हाँ, ये सात चीज़ें वो हैं जो छोटी छोटी हैं, जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन यही सात चीज़ें हमारी गरीबी का सबब बनती हैं। तो जानते हैं वो सात चीज़ें क्या हैं, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो नंबर एक पर आता है खड़े होकर पेशाब करना। जी हाँ, खड़े होकर पेशाब करने से गरीबी आती है, क्योंकि खड़े होकर पेशाब करना इस्लामी तरीक़े के ख़िलाफ़ है। और दूसरे नंबर पर आता है पेशाब करने की जगह वज़ू करना, ये भी अदब के ख़िलाफ़ है, इसकी वजह से भी गरीबी आती है। और तीसरे नंबर पर आता है खड़े होकर पानी पीना। जी हाँ, हम सब देखते हैं कि हम अक्सर लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, जो कि सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो खड़े होकर पानी पीने से गरीबी आती है, ये एक गरीबी का सबब है। और चौथे नंबर पर है दांतों से नाखून काटना, मिसाल के तौर पर यूँ काटते हैं ना कि इस तरीके से, ये गरीबी का एक सबब है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन यही छोटी चीज़ें हमारी गरीबी का सबब बनती हैं। और पाँचवें नंबर पर है जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना। जी हाँ, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने से भी गरीबी आती है। और छठे नंबर पर है मुँह से चराग बुझाना, इससे भी गरीबी आती है। और सातवें नंबर पर है अपने दामन या आस्तीन से अपना मुँह साफ़ करना, यूँ करते हैं या हम यूँ करते हैं, तो इस तरीके से भी गरीबी आती है। ये सात चीज़ें जो मैंने बताएं, ये गरीबी का सबब है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ऐसी छोटी छोटी इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम।